Hello. Good morning, students. How are you? I am Rakesh Chauhan, your math teacher. Today, I start new topic. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. यू नो वेरी वेल अबाउट द लीनियर इक्वेशन, यस और नो? इन 8th क्लास यू हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट इन टू वेरिएबल. इन 8th क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एग्जांपल जस्ट लाइक ए एक्स प्लस v is equal to 0. Suppose we want to find the value of x, then interchange this b another side. So, ax is equal to minus b. X is equal to minus b upon a. Now, suppose another example, 3x plus 5 is equal to 0. 3x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 upon 3. Ye dono examples लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के थे, जो आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे अच्छे से. लेकिन हमारे 9th क्लास में जो सिलेबस है उसमें लीनियर इक्वेशन है बट इन टू वेरिएबल्स. उनमें वेरिएबल्स दो होंगे. टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जैसे वन वेरिएबल में एक अननोन वैल्यू थी, यहाँ पर दो अननोन वैल्यू होंगी. वहाँ पर एक्स था अननोन, यहाँ पर एक्स और वाई होगा. अब इसके लिए हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. जो इक्वेशन होती है इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब इसमें कितने अननोन वैल्यूज हो गई? एक्स और वाई, टू टू अननोन वैल्यू हो गई. इसीलिए अननोन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो कितने वेरिएबल हो गए? टू वेरिएबल. सो दैट इज इट कॉल्ड द इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. अब इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो. ए और बी जीरो नहीं होंगे. सपोज मैंने ए की वैल्यू जीरो कर दी तो यहाँ पर ये पूरा जीरो हो गया, तो इक्वेशन किस में रहेगी? वन वेरिएबल में. अगर मैंने बी को जीरो कर दिया तो ये जीरो हो गया इक्वेशन, फिर भी वन वेरिएबल में. तो टू वेरिएबल में इक्वेशन के लिए हमें एक्स और वाई दोनों के कोफिशेंट जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए. ठीक है ना? इसलिए हम लिखते हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इज इक्वल टू जीरो. सपोज करो ये एग्जांपल है, क्या 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द एग्जांपल. नाउ इस एग्जांपल को हमें किस फॉर्म में लिखना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है. तो 2x, इस नेगेटिव को हमने ब्रैकेट में ले लिया, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करने पर a की जगह पर क्या है? 3. इन प्लेस ऑफ v क्या है? माइनस 2. और c क्या है? 5. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द कोपिशेंट a, b, c. Here is the coefficient of x, b coefficient of y, c is constant. So, we can represent the any equation in that form. Now, 13. तीसरा point क्या है हमारा? कि किस condition में two variable, one variable में बनता है? अगर मान लो कोई equation two variable में दे रखी है, तो वो one variable में होगी, उसकी conditions क्या होंगी? इसकी पहला क्या है? अगर a इक्वल टू जीरो है बट b नॉट इक्वल टू जीरो, या a नॉट इक्वल टू जीरो b इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी. दीज इक्वेशन रिड्यूस टू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल से किस में चेंज हो जाएगी? वन वेरिएबल में. आपके सामने एग्जाम्पल ये रहा, ए एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो. अब कैन वी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं इसको? बोलो कैसे लिख सकते हैं इसको? 2x, यहां y नहीं है तो y को हमने क्या लिख दिया? 0y प्लस c इज इक्वल टू जीरो. ठीक है कि नहीं? कंपेयरिंग विद, इससे हमने कंपेयर कर दिया,
तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई, वी की वैल्यू क्या हो गई 0 और सी की वैल्यू क्या हो गई 7। तो दिस इज द इक्वेशन। अब इन मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए कि कैसे सॉल्व करने होते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, राइट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 डैश बार। इसका मतलब क्या होता है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा रिपीटिंग नंबर, उसी में से है। अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और abc की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 डैश, सो दैट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 डैश, क्या हो गया 9.35 डैश हो गया। अब इसको ये माइनस है, माइनस को हमें यहां पर बीच में क्या रखना चाहिए, प्लस करना चाहिए क्योंकि प्लस ही है, तो माइनस को हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 डैश, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने कंपेयर कर दिया किससे, जनरल इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 और सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस 9.35 डैश, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट ईच लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इक्वेशन सारे टू वेरिएबल में लिखनी है, जैसे y इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप देखेंगे तो ये लगेगा कि y की वैल्यू लिखी है सर, ये तो y की वैल्यू माइनस 3 है, लेकिन इसको है क्या है ये इक्वेशन, हमने 3 को इधर कन्वर्ट कर दिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई, बट किस फॉर्म में हुई, वन वेरिएबल में। अब मुझे इस टू वेरिएबल में बनाना है, कौन सा वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, तो उसका कोफिशियंट मैंने 0 ले लिया, 0x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इट क्लियर। अब इसको कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 3। नाउ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11, रूट 11, अब रूट 11 को इधर लाए तो 4y प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो गया। ओके, अब इसको फिर उसी फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, टू वेरिएबल में। हमारे पास यहां एक ही वेरिएबल था, हमने फिर इसको x को लिया, क्योंकि जो वेरिएबल नहीं होता है उसको 0 के साथ लिख देते हैं क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, तो हमने इसको लिख दिया 0x प्लस 4y प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हमने कंपेयर किया इसको तो क्या मिला, a की वैल्यू क्या हुई 0, b क्या हुआ 4, c क्या हुआ रूट 11। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ए बी सी। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम, इनमें वर्ड प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो इसमें 2 की एज है, अननोन वैल्यू क्या होगी 2, मैन की एज यानी आदमी की एज और उसके बेटे की एज, तो दोनों को अलग अलग वेरिएबल में लेट कर लिया मैंने, लेट द एज ऑफ मैन इज एक्स ईयर और एज ऑफ सन 5 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या की थी कि मैन की एज सन से कितना है 3 गुना, तो एक्स इज इक्वल टू 3y, वाई को उधर ले लिया एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको उसी फॉर्म में लिख देंगे, एक्स माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, तो ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया माइनस 3, सी क्या हो गया 0। इस तरह से ये चैप्टर 4 का पहली एक्सरसाइज थी, और इसमें कुछ क्वेश्चन मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, और सभी स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करके व्हाट्सएप पर डालना है होमवर्क बिफोर 7 PM इवनिंग, आई विल टेक अटेंडेंस। ओके,
स्टेज क्लियर। थैंक यू।